हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे तो टाइम एंड वर्क आज के इस टॉपिक में करने वाले हैं। टाइम और वर्क की वो छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप टाइम और वर्क के क्वेश्चन बड़े इजिली सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और एक एक ट्रिक्स को समझिए, ठीक है। या क्वेश्चन करने से पहले थोड़ी सी हम बेसिक बातें समझ लेते हैं इसकी। तो बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम को मान लो मैं कहता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन के अंदर करता है, ठीक है। ए एक काम को 20 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है, तो बी उसी काम को 30 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको सबसे पहला तो काम क्या करना है कि आपको इसमें एक दिन में कितना काम किया जा रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। हमेशा आपको वन यूनिट ऑफ टाइम की वैल्यू निकालनी है। अगर दिन की बात हो रही है तो वन डे में कितना काम हो रहा है, अगर मिनट्स की बात हो रही है तो वन मिनट में कितना काम हो रहा है, अगर यहाँ पर आवर्स की बात हो रही है तो वन आवर के अंदर कितना काम हो रहा है। तो वो निकालने का तरीका सिंपल क्या होता है, वन डे वर्क बाय ए। ए ने कितना काम करा है एक दिन के अंदर, 1/20। जितने भी दिन ये यहाँ पर ले रहा है वाली टर्म यहाँ पर नीचे आ जाती है। ऐसे वन डे वर्क बाय बी निकालोगे तो आ जाएगा 1/30। इसने एक दिन के अंदर इतना काम किया, इसने एक दिन के अंदर इतना काम किया। अब हमें क्वेश्चन ये मिलता है कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिनों में वो काम करेंगे। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, हम ये करते हैं कि एक दिन का काम हमने ये लिया 1/20, एक दिन का काम इसने 1/30 लिया, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 1/20 1/30। एलसीएम लेंगे आपके पास 60 आ जाएगा, 3 इधर 2 इधर 5/60 यह आ जाएगा 1/12। उसके बाद जब आपसे टाइम पूछा जाएगा तो जो लास्ट में आपके पास वैल्यू आती है इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो यह आ जाएगा 12 डेज। यानी ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करें, ए अकेला 20 दिन में करता था, बी अकेला 30 दिन में करता था, लेकिन जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो वो 12 दिन के अंदर काम को फिनिश कर देंगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसके और क्या तरीके और कैसे कैसे आप कर सकते हो, देखिए ए जो है वो 20 डेज ले रहा है और बी 30 डेज ले रहा है। आपने सिंपली क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल देना, एलसीएम आ गया 60। अब यहाँ पर ये जो 60 है, मतलब यहाँ पर एक तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर 60 काम किया जा रहा है। तो बी ए जो है ना वो एक दिन के अंदर, वो 20 दिन के अंदर काम करता है, तो वो एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, ए 20 दिन के अंदर एक काम पूरा कर रहा है। अब हमें यह पता लगाना है कि ए एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है। तो टोटल जो काम है वो हमारा 60 है, तो इसका एलसीएम आएगा टोटल, वो हमारा टोटल आ गया 60। तो अगर वो 20 दिन के अंदर एक काम कर रहा है तो यानी एक दिन के अंदर उसने 3 काम किया। एक दिन के अंदर 3 काम करेगा तभी तो 20 दिन के अंदर पूरा 60 काम हो पाएगा ना। ऐसे ही आप यहाँ पर निकालो, अगर ये 30 दिन के अंदर काम फिनिश कर रहा है तो एक दिन में ये काम का कितना हिस्सा कर रहा है, यानी ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो इससे इसको हमने डिवाइड करा तो ये आ गया आपके पास 2। तो हमें ये पता लग गया कि ए एक दिन के अंदर 3 काम करेगा और बी एक दिन के अंदर 2 काम करेगा। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों को मिलाकर लेके चल रहे हैं कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 5, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर देंगे। अब काम करना कितना था टोटल, काम तो हमारे पास 60 है, तो 60 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास टाइम निकल जाएगा कितना, 60/5 आंसर आ जाएगा आपके पास 12। तो आप इसी क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ भी कर सकते हो। और एक तरीका और बताता हूँ मैं, वो डायरेक्टली फार्मूला है। जब भी दो लोग मिलकर काम करते हैं तो आप सीधा सीधा उसमें फार्मूला यूज करो, टाइम टेकन इक्वल्स टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी। तो ए बी का मतलब क्या हो गया, जो ए जितने दिन ले रहा है और बी जितने दिन ले रहा है, तो 20 और 30, तो 20 × 30 / a + b, 20 + 30, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 600, नीचे आ जाएगा 50, इससे कैंसिल करोगे ये आ जाएगा आपके पास 12 डेज। तो हमने इस तरीके से भी निकाला 12 डेज, हमने इस तरीके से भी निकाला 12 डेज, और हमने इस तरीके से भी निकाला 12 डेज। अब इसमें से जो तरीका आपको लगता है कि आप ये तरीका आपके लिए बेस्ट है वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको तीनों चारों तरीके यहाँ पर बता दिए। ऐसे ही अगर
अब अगर इसमें दो की जगह तीन लोग आ जाएं तो आप किस तरह से करेंगे? तो मान लो ए कहता है एक काम को करता है 12 दिन में, बी एक काम को करता है 15 दिन में, और सी एक काम को करता है मान लो 40 दिन में। ठीक है, 40 की जगह आप 60 ले लो, इसे थोड़ा सा समझने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, बाद में क्वेश्चन में तो फिर वैल्यू कुछ भी आएगी, उसके हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ए 12 दिन में काम कर रहा है, बी 15 दिन में काम कर रहा है, और सी 60 दिन में काम कर रहा है। अगर इनका एक एक दिन का हम काम निकालते हैं तो ये 1/12 आ जाएगा, ये 1/15 और ये 1/60। तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, ए बी सी तीनों का हमने एलसीएम लिया, तो आपके पास एलसीएम आ गया कितना, 60। अब ये ए का आपको दे रखा है कि भाई 12 दिन में काम कर रहा है ये ए, और ये 15 दिन में काम कर रहा है, ये 60 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम हमारे पास 60 हुआ। तो यानी अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें कि एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, तो 12 से आप इसको डिवाइड करो सीधा, 5 आ गया आपके पास। ऐसे बी की एफिशिएंसी निकालोगे, 15 से आप इसको डिवाइड करोगे, 4 आ गया, और यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास 1 आ गया। टोटल करो इसका 5, 4, 9 और 1, 10। अगर आपको टाइम निकालना है, अब टाइम निकालना है, तो आपके पास टोटल काम क्या था, आपके पास 60 था, और जो एफिशिएंसी तीनों की एक दिन की एक, वो कितनी आ गई, 10। तो इससे आप कैंसिल करो, तो 6 दिन के अंदर आप, अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन के अंदर काम फिनिश कर सकते हैं। अब इसके लिए जैसे हमने दो वालों में हमने फार्मूला समझा था एक, तो यहाँ पर 3 वालों में भी डायरेक्टली एक फार्मूला हमारे पास होता है। तो वो फार्मूला क्या हो सकता है, उस फार्मूले में आ जाएगा ए बी सी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस में सी इंटू ए, टाइम निकालने का ये फार्मूला। तो यहाँ पर ए बी सी का मतलब है कितने कितने दिन ले रहे हैं, 12, 15 और 60। यहाँ पर आ गया आपके पास 12, 15 और 60। नीचे आएगा ए बी, ए बी यानी 12 और 15 को मल्टीप्लाई करो, प्लस बी सी 15 और 60 को मल्टीप्लाई करो, प्लस सी ए 60 को और 12 को मल्टीप्लाई करो। तो 12 और 15 180 हो गया, इंटू में 60, नीचे आ गया ये 180, प्लस 15 6 90, प्लस 12 6 72। तो ऊपर 180 इंटू 60 आ गया, नीचे आपके पास आ गया, इनको ऐड करो तो 0, 2 और 8 10, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 1 18। तो इसको आप कैंसिल करते हैं, देखो ये इससे कैंसिल, 6 3 18, ये इससे कैंसिल, 3 6 18, तो ये आ गया आपके पास 6 डेज। तो फार्मूला लगा के आप करोगे तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, और अगर आप इस वाले तरीके से जाओगे तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी टाइप आती है हमारे पास, कई बार क्वेश्चंस में क्या आता है कि भाई ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों को मिलाकर इतने पैसे काम करने के लिए मिल रहे हैं, तो उनको आप शेयर में डिवाइड करो कि भाई ए को कितना पैसा मिलेगा और बी को कितना पैसा मिलेगा, यानी जो रेम्यूनरेशन होता है उसको आप किस तरीके से डिवाइड करोगे। तो मान लो क्वेश्चन में कहता है कि ए काम को करता है 4 दिनों के अंदर और बी ए काम को करता है 5 दिनों के अंदर, तो इसका एक दिन का काम कितना हुआ, 1 day work, इसका हुआ 1/4, और इसका एक दिन का काम हुआ 1/5। अब मान लो इन दोनों को काम करने के इनको मिलते हैं ₹1800। इस 1800 को ये किस तरीके से डिवाइड करेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ से ये तो पता है कि ए जो है वो काम 4 दिन के अंदर कर रहा है, यानी ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है काम करने की, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है क्योंकि ये 5 दिनों के अंदर काम कर रहा है। तो ये इसका एक दिन का काम हो गया, ये इसका एक दिन का काम हो गया। अब यहाँ से अगर आप ए और बी की रेशो निकालोगे, ए और बी के काम करने की रेशो निकालो, क्योंकि आपको जब भी कंपेयर करना होगा तो एक दिन का काम हमें निकालना पड़ेगा। एक दिन की जब आप काम निकाल लोगे तो उससे पता लग गया ए ने एक दिन में कितना किया, बी ने एक दिन में कितना काम किया, तब आप उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो इसकी रेशियो आप निकालेंगे 1/4 / 1/5, 5 आ जाएगा ऊपर या आ जाएगा नीचे। ठीक है, या फिर सिंपल तरीका क्या है, अगर आपके पास ए और बी इनके डेज आपको दे रखे हैं 4 और 5, तो जब आप इनके रेम्यूनरेशन के चार्जेस निकालोगे, मतलब इनकी एफिशिएंसी निकालोगे, जब इनकी आप एफिशिएंसी निकालोगे ए और बी की, तो दो ये जो रेशो आ रही ना उसको सीधा रेसिप्रोकल कर दो, 5 और 4 कर दो।
हमें एफिशिएंसी के हिसाब से जो पैसा है ना वो डिवीजन डिवाइड करना है, कि जो ज्यादा काम कर रहा है अब नेचुरल है भाई उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जो कम काम कर रहा है उसको कम पैसा मिलेगा। तो अब आपके पास ए का जो हिस्सा है वो 5 है और बी का हिस्सा 4 है, तो ए का जो शेयर है वो कितना हो गया, शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा 5 है कितने में से, 9 में से, 5 और 4 9, और टोटल पैसा मिल रहा है 1800, तो 9 दुनिया 18, इसको तो मिल गया 1000 रुपये, और बी का शेयर आप निकालोगे तो आ जाएगा 4/9 इंटू में 1800, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 दुनिया 8, 800 रुपये। तो टोटल मिलाकर 1800 रुपये पैसे थे वो, इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 3 लोग काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ तो 2 कर रहे थे, आपने इजीली रेसिप्रोकल किया और निकाल दिया, लेकिन अगर 3 लोग काम कर रहे हैं तो फिर आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको ए बी सी तीनों की रेशो दे रखी है, ए काम को करता है 4 दिन में, दूसरा करता है बी 5 दिन में, और ये करता है 6 दिन, ये इनके डेज हैं, ठीक है, ये इतने दिनों के अंदर काम कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो नेचुरल है कि ए को ज़्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि ए कम दिनों में काम कर रहा है, बी उससे ज़्यादा दिन ले रहा है और सी सबसे ज़्यादा दिन ले रहा है, तो सी को सबसे कम पैसा मिलेगा। तो इनके जो रेमुनरेशन है वो डिवीजन आप करने के लिए, अब इनकी रेशो में आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीका क्या है कि आप इनका 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे 4, 5 और 6 का, 4, 5 और 6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब आपको यहाँ से 4 से इसको 60 को डिवाइड कर लेना है, तो एफिशिएंसी जो आप इसकी लिखोगे वो कितनी आएगी, ए बी सी की 4 से आप इसको डिवाइड करोगे 15, 5 से इसको डिवाइड करोगे 12 और 6 से इसको डिवाइड करोगे 10, तो ये इनकी एफिशिएंसी आएगी। अब इसके हिसाब से जो पैसा है ए का बी का और सी का पैसा आप डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम एक चीज़ और समझते हैं कि जब हम टोटल काम निकालते हैं, आपको मतलब ये दिया हुआ है कि कितने लोग काम करते हैं और कितने दिनों के अंदर काम करते हैं। मान लो इसने कहा कि 5 लोग किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, 5 लोग किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन कितना हो गया, नंबर ऑफ पर्सन 5 हो गया, और ये 5ों काम करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं, ये 10 दिन ले रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल काम जो है वो कितना किया जा रहा है, 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 दिनों में काम खत्म हो रहा है, तो 5 × 10 यानी 50 वर्क हो गया। तो इसका मतलब एक ये भी हुआ कि अगर हम 5 लोगों को लगा रहे हैं, 10 दिन में काम हो रहा है, अगर हम 50 लोगों को लगा दे तो काम एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि तो काम तो हमें 50 ही करना है ना, और अगर हम एक ही आदमी को लगाएंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, 50 दिनों में खत्म होगा। तो जितने आदमी यहाँ पर आप बढ़ाते जाओगे काम के दिन उतने कम होते जाएंगे, क्योंकि टोटल काम आपको 50 करना, अगर आपने 2 आदमी लगाए तो 25 दिन लगेंगे काम खत्म करने में, अगर आपने 50 आदमी लगाए तो आपका एक ही दिन के अंदर काम फिनिश, फिर तो आपको जो भी आगे करना है वो आप कर सकते हो। यानी जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन अगर हम उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ डेज, तो इससे आपका टोटल काम निकल जाता है कि इतना काम आपको करना है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का आप यूज़ करेंगे क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस करने में, कि जहाँ पर ऐसे दिया होता है कि भाई एक आदमी है और या तो 4 आदमी या फिर 5 औरतें या फिर 3 बच्चे किसी काम को करने में इतना टाइम लेते हैं, तो इतने आदमी, इतने बच्चे, इतनी औरतें इस काम को करने में कितना टाइम लेंगे, इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उसको करने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन में कहता है कि 10 वुमेन और 10 मैन, 20 वुमेन और 40 चाइल्ड, 10 मैन है और 20 वुमेन और 40 चाइल्ड कैन डू ए वर्क, कैन डू ए वर्क इन 7 मंथ्स, कैन डू ए वर्क इन 7 मंथ्स, हाउ मेनी डेज 5 मैन 5 वुमेन, हाउ मेनी डेज 5 मैन
फाइव वुमेन एंड फाइव चिल्ड्रन विल टेक टू फिनिश अ वर्क. तो अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10 मैन है, 20 वुमेन है या फिर 40 चाइल्ड है. यहां पर इनके बीच में ना और लगा हुआ है. और लगा होने का मतलब है कि जो 10 मैन है उनकी एफिशिएंसी 20 वुमेन के बराबर है, या आप कह सकते हो कि 10 मैन की एफिशिएंसी 40 चाइल्ड के बराबर है. या तो 10 मैन या 20 वुमेन या 40 चाइल्ड किसी काम को करने में 7 महीने का टाइम ले रहे. तो अगर हम 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन को ले, अब ये सारे काम इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर और वर्ड यूज नहीं हो रहा. 5 मैन 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन, ये अगर काम को करेंगे तो ये काम को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे. तो आप पहले क्या करो, इनकी एफिशिएंसी निकालो. इनकी एफिशिएंसी निकालो, ए बी सी की जो रेशो है ये आपको दे रखी है 10 20 और 40. ठीक है, 10 मैन है हमारे पास, 20 वुमेन है और 40 चाइल्ड है. तो अब इनके हिसाब से अगर हम इनकी रेशो निकालते हैं तो ये आ गया आपके पास 1. एलसीएम ले लिया हमने पहले, मतलब पहले इनमें से कॉमन निकाल दिया 1 2 4. अब इनकी एफिशिएंसी निकालो कि मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं इनकी एफिशिएंसी. एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या था, इसका आप एलसीएम ले लो. एलसीएम आएगा इसका कितना, 4. तो 1 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 आएगा और 1 आ गया. तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई. ठीक है, मैन वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई 4, 2 और 1. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से पहले आपने एफिशिएंसी निकालनी है, उसके बाद या तो मैन को या वुमेन को या चिल्ड्रन किसी को भी लेके चल लेना, किसी को भी लेके चल लेना है. उससे आपने पहले टोटल काम निकालना है. टोटल काम कितना, देखो 40 चाइल्ड है, अगर मैं चाइल्ड को लेके चलूँ, 40 चाइल्ड किसी काम को करने में 7 महीने लगाते हैं, इतने बच्चे हैं और इतना टाइम है, तो टोटल वर्क आ गया ये. अब इस काम को करने में, इस काम को करने में 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कितना टाइम लगाएंगे, 5 मैन 5 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कितना टाइम लगाएंगे. तो अब जहाँ जहाँ पर आपने मैन वुमेन चिल्ड्रन लिखा हुआ है वहाँ पर इसकी जो वैल्यू निकाली ना हमने, जो एफिशिएंसी निकाली है 4, 2 और 1, ये यहाँ पर आप पुट कर दो. 40 × 1 × 7 नीचे आ जाएगा 5 × 4 5 × 2 5 × 1, ऊपर आ गया 280, नीचे आ जाएगा 20 10 एंड 5. तो 280 डिवाइडेड बाय 20 30 35, 7 से इसे काट दो, 5 से इसे काटो, तो 8 दिन के अंदर 5 वुमेन 5 मैन और 5 चिल्ड्रन इस काम को फिनिश कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इसी तरह से ना कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे निकाल सकते हो आप. और जरूरी नहीं कि आपको चाइल्ड से निकालना है, आपको मैन से निकालना है मैन से निकालो, आंसर आपका सेम ही रहेगा. अगर मैं यहाँ पर चाइल्ड की जगह मान लो मैन कर दूँ, चाइल्ड की जगह मैं मैन कर दूँ, मैंने यहाँ पर कर दिया कितने मैन थे, 10 मैन काम करते 7 मंथ्स में, नीचे आपके पास यही रहेगा, नीचे आपके पास यही रहेगा. तो अब मैन की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4, तो यहाँ पर आ गया 10 × 4 × 7. नीचे का तो टोटल करोगे तो सेम ही है, तो नीचे हमारे पास कितना आ रहा था, नीचे हमारे पास आ रहा था 35, तो नीचे तो आप 35 ही लिखो, 7 × 5 35 5 × 2 10 2 4 8. तो यहाँ से आ गया आपके पास 8 डेज लिख दिया मैंने, यहाँ मंथ्स है ना, तो मंथ्स लिखना है और यहाँ पर भी मंथ्स लिखना है. अगर डेज दे रखा हो तो आंसर में डेज लिखो, अगर मंथ्स दे रखा है आंसर में तो मंथ्स लिखो. तो ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का, अब इसको यूज करके हम जो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन की जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए, आप डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ. ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू ए सेम जॉब इन द 12 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, दे डिड द जॉब इन द 4 डेज ओनली.
देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, तो सी अकेला उस जॉब को कितने दिनों में फिनिश करेगा। अब ये आपको यहाँ पर, अब तीन लोग हैं, या तो आप सी का काम एक्स लेके चल लो, ठीक है, या तो आप सी का काम एक्स लेके चलो और जो तीन वाला जो फार्मूला था वो लगा दो आप सीधा। ए का काम हो गया 16, बी काम करता है 12 दिन में, सी काम करता है एक्स डेज में, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 12 प्लस 16 इंटू में एक्स प्लस 12 इंटू में एक्स। तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा, टाइम कितना है, चार दिनों के अंदर काम हमारा फिनिश हो रहा है, तो इक्वल्स टू में 4 रख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ऊपर इस 4 से आप इसको कैंसिल कर लो, 48x नीचे आ जाएगा आपके पास 12 6 72, 12 और 7 19, 16 और 12 28। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लाओ, 48x 192 प्लस 28x, इसको यहाँ लाके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20, x की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन 20। दो से काटो आप और दो से काट लो, 48 अपॉन 5 को लिखेंगे 9 and 3/5, तो 9 and 3/5 डेज के अंदर सी अकेला इस काम को फिनिश कर सकता है। उसके बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन कैन डू इट इन 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200 विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days, तो हाउ मच इज टू बी पेड टू सी, तो सी को कितना अमाउंट मिलेगा। तो सेम तरीका यूज करके, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन कराया, सेम तरीका यूज करके हम पहले एक्स का निकाल लेते हैं कि एक्स इस काम को कितने दिनों में खत्म करता है। तो ए ने 6 दिन में काम किया, बी ने 8 दिन में काम किया और इसने एक्स दिन काम किया, नीचे आ जाएगा यहाँ से 6 into 8, 6x प्लस 8x इक्वल्स टू 3 days, 3 से आप इसको कैंसिल कर लो, 8 to 16x, नीचे आ जाएगा 48, 6 जा 48 प्लस 8 plus 6, 14, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 48, एक्स की वैल्यू आ गई 24, यानी एक्स जो, यानी सी जो है उस काम को 24 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो ए कितने दिन में ख़त्म कर रहा था, 6 दिन में, ये कितने दिन में ख़त्म कर रहा है, 8 डेज में, और ये कितने दिन में कर रहा है, 24 डेज में। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। अब इसकी एफिशिएंसी जब आप निकालोगे, एफिशिएंसी अगर निकालेंगे तो 6 से आप 24 को डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी है। अब इसके हिसाब से आपको सी का बताना है कि सी को कितना अमाउंट मिलेगा, तो सी की रेशो आ रही आपके पास 1 4 3 7 और 1 8, टोटल अमाउंट है 3200, इसको कैंसिल करोगे तो सी को ₹400 मिलेंगे काम करने के, तो सी का आंसर आ गया आपके पास 400। क्वेश्चन नंबर 3 में, The ABC can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? मतलब A कह रहा है कि A कितने दिन में काम को finish करेगा if he is assisted by B and C on every third day, यानी हर तीसरे दिन में A की उसे help, B की उसे help मिलेगी और C की help मिलेगी हर तीसरे दिन, यानी 2 दिन तक तो उसे काम करना है, 2 दिन तक तो उसको ही काम करना है अकेले। तो इसका मतलब हम ए का अगर 2 दिन का काम निकालें, ए का 1 दिन का काम तो हो गया 1/20, तो 2 दिन का हो जाएगा 1/10, तो ए ने 2 दिन तक इतना काम फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद जब तीसरा दिन आएगा तो उसको बी और सी दोनों की हेल्प मिलेगी, तो दोनों मिलकर, ये तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ए बी और सी तीनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/20, 1/30, 1/60, ठीक है, जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप वैसे निकाल लो। एलसीएम 60 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 6/60 यानी 1/10। तो इन्होंने 1 दिन के अंदर इतना काम फिनिश कर दिया और ए ने 2 दिन के अंदर इतना काम फिनिश कर दिया, यानी 3 दिन के अंदर कितना काम फिनिश हुआ,
वर्क डन इन थ्री डेज, 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/10, ये आप कह सकते हो 1/5, यानी 3 दिन के अंदर 1/5 काम कंप्लीट किया जा रहा है। तो जो टोटल वर्क है उसको काम करने, उसको ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा, तो टाइम टेकर निकालना है आपको। तो देखो 3 दिन लग रहे हैं काम को करने में, 3 दिन के अंदर काम हो रहा है 1/5, यानी 1 दिन के अंदर 5 काम हो रहा है, और 3 दिन के अंदर 5 काम हो रहा है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 = 15, टोटल मिलाकर आपको 15 दिन लगेंगे इस काम को फिनिश करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए कैन डू ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। ए अकेला जितने दिन में काम करता है, ए का जो एक दिन का काम होगा ये बी और सी के एक दिन के काम के बराबर होगा। ठीक है, एक तो आपको ये दिया हुआ है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, अगर ए और बी 10 दिन में काम फिनिश कर रहे हैं, ए और बी 10 दिन में काम कर रहे हैं और सी 50 दिन में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका एक दिन का काम कितना होगा, इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/10, इसका एक दिन का काम हो जाएगा 1/50। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, यह जाएगा 1/10 प्लस 1/50। ठीक है, एलसीएम ले लोगे आप, 50 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 5 और 1 यानी 6/50, या कह सकते हो 3/25। ये किसका काम हुआ, ए बी सी तीनों का। अब क्वेश्चन में हमें बोला कि इसने बी प्लस सी जो है वो ए के बराबर है, तो यहाँ मैं बी प्लस सी की जगह ए पुट कर दूँ, तो ए ये आ गया और ए ये आ गया, यानी 2a हो गया, यानी 2a का काम कितना है 3/25। तो ए का अकेले का काम कितना होगा, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 3/50, ये 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ए अकेला 3/50 डेज में काम कर रहा है, और ए और बी दोनों का काम एक दिन का था 1/10, तो इस 1/10 में से 3/50 माइनस कर दो, तो आपके पास बी का एक दिन का काम आ जाएगा 1/10 माइनस 3/50। आप एलसीएम लोगे, 5 − 3 यानी 2/50 यानी आ जाएगा 1/25, यानी 25 डेज के अंदर बी जो है अकेला इस काम को फिनिश कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है कि 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। 4 men है और 6 women है, ये मिलकर काम कर रहे हैं, 8 दिन के अंदर काम फिनिश हो जाता है, जबकि उसी काम को 3 men और 7 women मिलकर काम करें तो 10 दिन के अंदर वही काम फिनिश होता है, यानी काम तो सेम है। तो अगर हम टोटल काम निकाल लें तो 4 men है और 6 women है, ये मिलकर काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, इतने पर्सन हो गए, इन टू में नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ गया। इक्वल्स टू में रखो आप, अगर इसी काम को 3 men और 7 women मिलकर करें तो उन्हें 10 दिन लगते हैं। तो यहां से मैन और वुमेन को कंपेयर कर लो कि एक मैन जो है या एक वुमेन कितने मैन के बराबर है। 8 × 4 = 32, 8 × 6 = 48, 3 × 10 = 30 m और आ गया 70 women। 30 को यहाँ लाके माइनस करोगे 2 men आ गया, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे 22 आ गया, तो m की वैल्यू आ गई 11 women। अब ये कहता है कि इसी काम को ख़त्म करने में जो 10 women है वो कितना टाइम लेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इनमें से दोनों में से जो ये वाली कंडीशन है इनमें से कोई सी एक कंडीशन उठा के चलो, 4 men और 6 women काम को करते हैं 8 दिन में, तो जो 10 women है ये काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, सबको वुमेन में कन्वर्ट करो, आपको पता चल गया एक मैन 11 women के बराबर है, तो यहाँ पर 4m कितना हो जाएगा, 44 women के बराबर, तो यहाँ पर 44 आ गया, प्लस यहाँ पर 6 आ गया, यानी ये सारी वुमेन हो गई, इनटू में 8 / 10 women, तो ये आ जाएगा 50, फाइव एट जा 40, यानी 40 डेज के अंदर 10 वुमेन इस काम को फिनिश कर सकती है।
क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, कहता है कि एक्स एंड वाई कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। एक्स स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड देन आफ्टर 4 डेज वाई ज्वाइंड हिम टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। यानी 4 दिन के बाद वाई ने उसको ज्वाइन किया है, तो हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो काम कितने दिन तक चलेगा। अब यहाँ से आप क्या करो, पहले तो इसका आप 4 दिन का काम निकाल, ठीक है, ए का, एक्स का 4 दिन का काम निकाल लो, एक्स 4 डेज वर्क, एक दिन का काम हो जाएगा 1/20, 4 दिन का आ जाएगा 4/20 यानी 1/5, यानी 1/5 तो काम फिनिश हो चुका है। अब काम आपका कितना बच रहा है, तो रिमेनिंग वर्क है, ये बच रहा है 1-1/5 यानी 4/5। अब इतना काम हमें बाकी और करना है। अब इस काम को करने के लिए ए और बी दोनों लग जाते हैं, तो ए और बी अगर दोनों एक दिन के अंदर काम करें, ए और बी नहीं सॉरी एक्स और वाई, तो एक्स का, एक्स लेता है 4 दिन और वाई लेता है कितने, सॉरी 20 दिन और वाई लेता है 12 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 60, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 5, इसकी एफिशिएंसी होगी 3, इसकी एफिशिएंसी होगी 5, टोटल आ गया आपके पास 8। तो अगर ये दोनों काम करते तो एक काम को, ये 60 काम को कंप्लीट करते 8 दिन के अंदर, यानी ये पूरा काम कंप्लीट करने में 15/2 डेज लेते पूरा काम करने में, लेकिन पूरा काम तो नहीं करना हमें, तो सिर्फ 4/5 काम करना है, तो 15/2 को मल्टीप्लाई कर दो 4/5 से, 5 से 15, 2 दूनी 4, तो आपके पास आ जाएगा 6 दिन, तो 6 दिन के अंदर इस काम को फिनिश कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में ये पूछा कि हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, तो टोटल काम कितने दिन चला, तो ये काम इन्होंने 6 दिन में कर दिया था, लेकिन उससे पहले 4 दिन काम और हो रहा था, तो टोटल मिलाकर 6 और 4 10 करेंगे आंसर में, ये नहीं करेंगे, ठीक है, आंसर में 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7th में कहता है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी। ए बी से दोगुना टाइम लेता है और ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बी और थ्राइस एज, और सी से वो 3 गुना टाइम लेता है टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टूगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 डेज। अगर वो तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने, 2 दिन के अंदर वो काम फिनिश करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है। अगर एक्स, यहाँ पर हम ए का काम ले लें, अगर एक्स डेज, ए अगर एक्स डेज में काम फिनिश करता है तो बी जो है उससे आधे दिन में काम फिनिश करेगा, क्योंकि ए जो है उससे डबल टाइम ले रहा है। अगर ए 20 दिन में काम करेगा तो बी कितने दिन में काम करेगा, 10 दिन में काम कर लेगा, क्योंकि ए जो है उससे डबल ले रहा था टाइम। ऐसे जो सी है उसका टाइम निकालोगे तो आ जाएगा एक्स बाय 3। अब इन तीनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे, इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/x, इसका एक दिन का रेसिप्रोकल कर दो ये 2/x, इसका एक दिन का 3/x, और टोटल मिलाकर 2 दिन में काम हो रहा है, एक दिन में 1/2 काम हो रहा है, ठीक है। ये ए का एक दिन का काम, ये बी का एक दिन का काम, ये सी का एक दिन का काम, दोनों तीनों मिलकर काम कर रहे थे, 2 दिन में काम खत्म हो रहा था, तो यानी एक दिन में कितना काम हो रहा है 1/2, 3, 2, 5 और 1, 6, एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स 12 आ गया, तो आपको बी का टाइम पूछा है, तो आ जाएगा 12/2, आंसर आ जाएगा 6, तो 7th का जो आंसर है वो बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप है वो टैंक को 2 घंटे के अंदर फिल कर देता है, बिकॉज ऑफ लीक इट took 2 and 1/3 hours टू फिल द टैंक। लेकिन अब वहाँ पर ना एक लीकेज हो रही है, पानी आप ऊपर से भर रहे हो, दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, तो उस लीकेज की वजह से 2 and 1/3 का टाइम लगता है टोटल। अब आपसे कहता है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक, तो जो लीक है वो कितनी देर में पानी को ख़त्म कर सकती है। तो हमने मान लिया कि वो एक्स मिनट्स के अंदर, एक्स आवर्स के अंदर पानी ख़त्म कर सकती है, तो इसका काम आ गया आपके पास 1/2, लीक का हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू में कितना टाइम लग रहा है, 3 2 6 और 1 7/3, तो एक दिन के अंदर कितना हो जाएगा 3/7।
ठीक है, वो तो टोटल टाइम था ना, तो एक दिन में कितना लीक हो रहा है, 3/7। अब इसको आप सॉल्व कर दो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, सेवन ओ टू कैल्शियम आ जाएगा 14, 7 - 6, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको 14। तो जो लीक है वो 14 आवर्स के अंदर, लीक जो है 14 आवर्स के अंदर इस पूरे टैंक को खाली कर सकती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास, ये लास्ट ईयर सीयूटी एग्जाम में आया है कि ए बी सी काम को 12 15 20 दिन के अंदर फिनिश करेंगे, तो वो तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम फिनिश हो सकता है। तो देखो ये 12 दिन लगा रहा है, ये 15 दिन लगा रहा है, ये 20 दिन लगा रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो आ गया आपके पास 60। तो इसकी एफिशिएंसी निकालोगे 12 × 5 = 60 की एफिशिएंसी आ गई 5, एक दिन के अंदर 5 काम हो रहा है, ठीक है, इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 3, तो 5 × 4 = 9 और 3 = 12। टाइम निकालेंगे हम, टाइम आ जाएगा 60/12, आंसर आ जाएगा आपके पास 5। तो 5 दिन के अंदर, ये 5 दिन के अंदर काम ख़त्म हो रहा है, ये आंसर में नहीं है, तो एक इसका आंसर आ जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, यहाँ कहता है कि 5 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज वाइल 10 वुमेन कैन डू इट इन 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन डू इट। तो देखो यहाँ कह रहा है कि 5 लोग हैं इस काम को 6 दिन में करते हैं, तो टोटल काम ये आ गया। इधर से 10 वुमेन है, ये इस काम को 5 दिन में करती हैं, 10 वुमेन इस काम को 5 दिन में करती हैं, और यहाँ पर कितना था 5 मैन, तो इसको आप ऐसे लिखो 5 मैन काम को 6 दिन में कर रहे हैं और 10 वुमेन काम को 5 दिन में कर रही हैं। तो यहाँ से 5 से आप 5 कैंसिल करो, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, तो 3m की वैल्यू आ गई 5w, तो m की वैल्यू आ जाएगी 5/3w, ठीक है। अब ये कहता है कि इन हाउ मेनी डेज 5 वुमेन एंड 3 मैन कैन डू इट। अब जो टोटल काम है, टोटल काम आप चाहे ये वाला लेके चलो, चाहे ये लेके चलो, कि 5 आदमी इस काम को 6 दिन में कर रहे हैं। अब नीचे आपसे पूछा है कि 5 वुमेन और 3 मैन इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप सबको आप वुमेन बना लो या सबको मैन बना लो। तो हमने यहाँ पर वुमेन की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं यहाँ से 3/5, तो यहाँ पर पुट कर देते, तो मैन की जगह आप वुमेन की निकाल लो वैल्यू, 3/5 मैन, तो ये सारा मैन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 मैन तो ऊपर है ही, इंटू में 6, नीचे आ जाएगा 5 वुमेन, 5 वुमेन की जो वैल्यू है वो 3 मैन के बराबर है, प्लस 3 मैन, तो 6 × 5 = 30 आ गया ऊपर, नीचे 3 और 3 = 6, एम से एम कैंसिल कर देना, 6 × 5 = 30, यानी 5 दिन के अंदर ये काम आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो टाइम और वर्क की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिली होगी कि टाइम और वर्क के क्वेश्चन आप किस तरीके से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स ऑल ऑफ यू।